हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गॉइटर। मैं आपको बताऊँगी कि गॉइटर क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर गॉइटर क्या होता है। तो गॉइटर जब थायराइड ग्लैंड का एबनॉर्मल तरीके से एनलार्जमेंट हो जाए, उसका साइज़ इंक्रीज होने लग जाए, तो उस कंडीशन को ही हम लोग गॉइटर कहते हैं। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो आपके नेक के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। गॉइटर एक पेनलेस कंडीशन है, उसमें आपको पेन फील नहीं होता, लेकिन जब उसका साइज़ बढ़ जाता है तब कई सारे लोगों को सिम्टम आने लग जाते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपको कफिंग होने लग जाए, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाए, या फिर आपको स्वेलोइंग में प्रॉब्लम होने लग जाए। तो अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को गॉइटर होने का। तो फर्स्ट कॉज है आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ग्रेव्स डिजीज़ एक बीमारी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है गॉइटर के लिए। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने लग जाती है और वो थायराइड ग्लैंड को ही हार्म करने लग जाती है, जिसके वजह से एक्सेस थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है और उसके वजह से थायराइड ग्लैंड स्वेल करने लग जाता है। इसके अलावा हाशिमोटोज़ डिजीज़ भी एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें कम अमाउंट का हार्मोन सिक्रीट होता है। थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होने की वजह से भी थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ सकती है। इसके अलावा और भी कंडीशन है जिसके वजह से आपको गॉइटर हो सकता है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को थायराइड ग्लैंड में कैंसर हुआ है तो उसके बाद भी उन्हें गॉइटर की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई सारे लोगों में मल्टी नोड्यूलर गॉइटर्स भी देखे जाते हैं। प्रेगनेंसी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है गॉइटर होने का। इसके अलावा अगर थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके वजह से भी गॉइटर की कंडीशन देखी जा सकती है। अब मैं आपको सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को गॉइटर हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ही सिम्टम आएंगे, लेकिन अगर किसी पर्सन को सिम्टम आते हैं तो उसमें ऐसे देखा जाता है कि नेक के बेस की तरफ स्वेलिंग होने लग जाती है। कई बार इस स्वेलिंग का साइज़ इंक्रीज होता है जिसके वजह से लोगों को कफिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है, या फिर हो सकता है कि आपको स्वेलो करने में प्रॉब्लम होने लग जाए। इसके अलावा कई सारे लोगों को ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी होने लग जाती है, कई सारे लोगों को टाइटनेस फील होने लग जाता है और हॉर्सनेस जैसी कंडीशन भी होने लग जाती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो मेडिसिन जैसे कि आप आयोडम 30 का यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है गॉइटर का साइज़ कम करने के लिए। इसके अलावा कैल्केरिया कार्ब 30 का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए इफ़ेक्टिव है जिनका बॉडी वेट बढ़ता है, जो फेयर फैटी और फ्लैबी होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिनको थोड़ा सा भी काम करने के बाद थकान फील होने लग जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पॉन्जिया 30 का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन भी गॉइटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। किसी भी रीज़न के वजह से अगर थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आप नेट्रम म्यूर का भी यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन भी थायराइड ग्लैंड के साइज़ को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, ये था गॉइटर। मैंने आपको बता दिया कि गॉइटर क्या होता है, इसके कॉज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप किसी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।